मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अपना जो चैप्टर था हिस्ट्री का वो खत्म हो गया। अभी अपन ज्योग्राफी का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज इंपॉर्टेंस एंड यूजेज, यानी रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या है इसका, और इसके यूजेज क्या है। द सब्सटेंस प्रोवाइडेड बाई नेचर विच सेटिस्फाई अवर बेसिक नीड्स एंड आर यूज्ड बाई अस इन वेरियस फॉर्म्स आर नोन एज रिसोर्सेज। यानी कि वो सभी के सभी तत्व सब्सटेंसेस जो कि हमारी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं या जिनका हम यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अपन लोग रिसोर्सेज बोलते हैं। द बेसिक नेचुरल रिसोर्स एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल्स एक्सेट्रा आर इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन। अब जो बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि सॉइल हुआ, वाटर हुआ, एयर हुआ, मिनरल्स हुए, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट जो हैं ह्यूमन लाइफ के लिए होते हैं। एंड दे हैव यूटिलाइज देम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। और ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, इन सभी रिसोर्सेज को अपने लिए बेस्ट पॉसिबल वे में उनको यूज किया है। इन यूजिंग दीज रिसोर्सेज देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्टेज। अब क्या होता है, इनको यूज कर रहे होते हैं तो इनका वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होता है। बट विद टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप, मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड द वेस्टेज इज बीइंग मिनिमाइज्ड। लेकिन क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे साइंस और जो टेक्नोलॉजी है उसमें बदलाव हुआ, उसमें डेवलपमेंट हुआ, नए नए मॉडर्न इनोवेटिव जो आइडियाज हैं या वे हैं एक्सट्रैक्शन के, वो हमने क्या किए, इवोल्यूशन हुआ उन चीज़ों का। तो इस सबसे क्या हुआ, जो वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। नेचर हैज 24 रिजर्व्स बट इट इज द स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स विच कैन फर्दर लीड टू डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल यूटिलाइजेशन ऑफ दियर ऑफ दीज रिसोर्सेज। अब क्या है कि जो नेचर है या जो पृथ्वी है उसमें रिजर्व जो है इन चीज़ों के, रिसोर्सेज के, वो प्लेंटीफुल है, पर्याप्त मात्रा में है। अब डिपेंड करता है मानवों पर कि वो किस तरीके से इनका अधिकतम और इकोनॉमिकल वे में उनका इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड यूजिंग रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड मेक देयर लाइफ कंफर्टेबल। जो अर्ली ह्यूमंस हैं उन्होंने क्या किया, वो लोग इन रिसोर्सेज का उपयोग करते थे सिर्फ अपनी लाइफ को थोड़ा सा कम्फर्टेबल बनाने के लिए। दे स्टार्टेड यूजिंग ट्री फॉर वुड। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों का यूज करना स्टार्ट किया लकड़ी के लिए। ऑन सॉइल दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स फॉर फूड। जो मिट्टी है उस पर उन्होंने क्या किया, खेती करना स्टार्ट किया ताकि उनको फूड मिल सके। एंड देन दे स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने जो मिनरल्स हैं उनको निकालना स्टार्ट किया। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज, पिछले कुछ शताब्दी की अगर बात की जाए, दे मेड मशीन्स एंड स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। तो ह्यूमंस ने क्या किया, मशीनें बना ली हैं और साथ ही साथ सामान जो होते हैं, गुड्स जो होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट कर दी है। दे स्टार्टेड क्रिएटिंग वेल्थ फ्रॉम नेचर। और इस तरीके से ह्यूमंस ने क्या किया, नेचर के थ्रू या नेचर को यूज करते हुए वेल्थ, धन संपदा बनाना शुरू कर दिया। Hence we can conclude that anything that is used to satisfy human need is a resource. तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि वो सभी चीज़ें जो humans की basic need को fulfill करती है, complete करती है, उसे अपन क्या कह सकते हैं, उसे अपन resource कह सकते हैं। Let us look at the few examples of these resources. चलिए अपन कुछ resources के जो examples हैं उस पर ध्यान देते हैं। Such as जैसे कि water, पानी, which not only satisfy our basic need. पानी जो कि हमारी सिर्फ बेसिक नीड को ही सेटिस्फाई नहीं करता है, बट ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा जो पानी है वो हमें बिजली भी उपलब्ध करवाता है, विच इज जनरेटेड फ्रॉम द एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। और जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये जनरेट कैसे होती है, कि जब गिरता हुआ पानी होता है, बहता हुआ पानी होता है, उसकी एनर्जी से ये जनरेट होती है। विंड इज ऑल्सो यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू विंड मिल्स। साथ ही साथ जो विंड होती है, हवा जो होती है, इसका भी अपन यूज करते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इसके थ्रू विंड मिल्स के थ्रू। द नीड एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमन बीइंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मानव है, उनका क्या है, उनकी जो आवश्यकता है वो तो बढ़ी बढ़ रही है, साथ ही साथ उनका लालच भी बढ़ रहा है। एंड सो इज नेचर बीइंग एक्सप्लॉइटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। और उस लालच और आवश्यकताओं के बढ़ने के कारण क्या हो रहा है, कि जो अपना नेचर है, जो हमारा पर्यावरण है, इसका अत्यधिक दोहन हो रहा है, अत्यधिक विस्तार से, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में इसका दोहन हो रहा है। द नॉलेज एंड क्रिएटिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज बाउंडलेस। जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी जो नॉलेज है, जो उनकी साथ ही साथ क्रिएटिविटी है, ये असीमित है। बट द डेंजर ऑफ ग्रीड इज डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। लेकिन जो मानवों के अंदर, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जो
डेंजर है किस चीज का, लालच का, वो क्या हो रहा है, वो एनवायरनमेंट को खत्म कर रहा है या उसको नष्ट कर रहा है। द बैलेंस ऑफ नेचर इज ऑल्सो गेटिंग डिस्टर्ब। अब इससे क्या हो रहा है, जब अत्यधिक मात्रा में शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है मिनरल्स का, तो इससे क्या हो रहा है, नेचर जो है, नेचर में जो बैलेंस बना हुआ है चीजों का, वो क्या हो रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है। Hence, certain alternate ways and means should be considered to preserve and maintain the balance of nature. तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अलग अलग तरीके, तौर तरीके ढूंढने चाहिए ताकि अपन जो नेचर में इम्बेलेंस क्रिएट हो रहा है उसको अपन प्रिजर्व कर सकें या मेंटेन कर सकें, बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ नेचर को अपन जो है मेंटेन कर सकें। अगला है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। द वर्थ ऑफ अ ऑब्जेक्ट और अ रिसोर्स इज नोन एज द वैल्यू ऑफ द सेम। यानी किसी भी चीज की कीमत, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे वो रिसोर्सेज हो, वही उसकी क्या होती है, वैल्यू होती है। द वैल्यू ऑफ एनी रिसोर्स कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब कोई भी रिसोर्सेज है उसकी जो वैल्यू है वो टाइम टू टाइम और प्लेस टू प्लेस चेंज हो सकती है। द काइंड ऑफ वैल्यू मे डिफर फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। और यहाँ तक कि जो दो अलग अलग रिसोर्सेज हैं उनमें भी आपस में जो उनकी वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। वन रिसोर्स माइट हैव इकोनॉमिक वैल्यू, हो सकता है किसी एक रिसोर्स की तो इकोनॉमिक वैल्यू हो, वेयर आर द अदर वन मे हैव एस्थेटिक और नेचुरल वैल्यू, और हो सकता है दूसरे की कोई सौंदर्य के रूप में यूज होता हो, इस तरह की कुछ वैल्यू हो उसकी या कोई नेचुरल वैल्यू हो उसकी। फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल्स हैव एन एस्थेटिक वैल्यू। अगर अपन बात करें वाटरफॉल की, झरने की, तो ये क्या है, ये इसकी क्या वैल्यू है, इसकी सौंदर्य के रूप में वैल्यू है। क्यों, क्योंकि नजारा जो होता है वो काफी सुंदर दिखता है। बट वैन इट इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जब यही पानी झरने में पानी बह रहा है, यही पानी अगर यूज किया जाए बिजली उत्पादन में, इट हैज इकोनॉमिक वैल्यू, तब जो है इसकी क्या होती है, तब इसकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। देयर आर सर्टेन रिसोर्सेज व्हिच कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। तो इस तरीके से कुछ रिसोर्सेज ऐसे भी हैं जिनको अपन समय के साथ में इकोनॉमिकली भी वैल्यूएबल बना सकते हैं। तो आज के इतना ही, बाकी अपन अभी वैल्यू रिसोर्सेज के बारे में नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे।